वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो। तो बाबू जा रहा है, उसको पहले बाय कर देती हूँ। बाय करो ना, क्या हुआ? बाय बेटू, करो ना। नहीं करोगे? क्यों? ये दोनों स्कूल चले गए हैं और आज मैं क्या क्या सब्जी बनाने वाली हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए क्या है, क्या है। आप लोग जो बिहार के होंगे मेरे साइड के, वो तो पहचान ही जाएंगे। ये है अरकंचन, हम लोगों में बोलते हैं। कितना सारा है, देखिए मेरी मम्मी भेजी थी मुझे। बहुत इसका सब्ज़ी ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं आपको। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो आज हम इसमें आलू डाल के बनाएंगे। ये क्या है, मतलब जैसे बथुआ साग जानते हैं ना, बथुआ साग। हाँ, बथुआ साग को ही बेसन में डाल के पहले भिगा देते हैं पहले, और फिर बेसन में डाल के फिर उसको सुखाते हैं। वो जो कोई बर्तन में रख लेते हैं और फिर जाके उसको सुखाते हैं, सूख जाता है। फिर आप इसको स्टॉक करके साल भर के लिए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बड़ा सुंदर लगता है इसका सब्ज़ी, तो हम आज इसी का सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे बनता है, पर ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कोई शूट करने वाला है नहीं ना, अकेले में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे जो भी करती हूँ मैं अकेले ही करती हूँ, कोई मेरा मोबाइल कभी भी कोई शूट नहीं करता है, मैं खुद ही करती हूँ जो करती हूँ। तो जितना हो सकेगा उतना मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं। देखिए ये फ्राई हो रही है इधर, देखिए। हाँ, अब इसको निकालेंगे, ये फ्राई हो चुकी है। और इधर मैं ये आलू ली हूँ, देखिए इसको आलू ली हूँ इसमें डालने के लिए, इसको भी फ्राई करना है। और मसाले में मैं ये प्याज, इसी का मसाला बनाएंगे। देखती हूँ क्या सब दिखा पाती हैं आपको। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ। ये इसमें आलू, मैं आलू भी फ्राई हो चुका है, और ये जो अरकंचन था, झूड़ी भी बोलते हैं हम लोगों में, वो भी फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक और सरसों और एक प्याज, इसका पेस्ट मैं पेस्ट बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बस उसको थोड़ा देर भून के उसमें पानी डाल के बस हो गया। तो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ कैसा बनता है। मैं नहा के आ गई हूँ और पूजा पाठ भी सब कुछ हो गया, और अब इनको ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। तो अब मैं इनको खाना लेके चलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये रहा खाना और ये सब्जी, देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये तो खा के बताइए कैसा लग रहा है। ये खा रहे हैं और मैं तो चावल के साथ ही खाऊंगी क्योंकि मुझे रोटी पराठा पसंद नहीं है, पराठा के साथ खा रहे हैं। कैसा है? तो ये खा लिए और खाना उना भी हो गया है, और मैं सो के भी उठ चुकी हूँ, बच्चे भी सो के उठ चुके हैं, बच्चे अपना होमवर्क बना रहे हैं। तो मैं सोची आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। तो मैं ये मीशो से मंगवाई हूँ, ये कान का है और ये मंगलसूत्र है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। देखिए कितना क्यूट है और कितना सुंदर लग रहा है एकदम। ये जो हाँ जा, तो ये कितना कितना क्यूट लग रहा है। इसका जो ये गोल्डन कलर का गोल्डन मोती है वो एकदम सुंदर दिख रहा है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। और ये इसका लंबा लंबा सा है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं एक कितने का था, ज़्यादा का नहीं था शायद, 160 में ही तीन मंगलसूत्र दिया मिला था मुझे। देखिए तो एक ये है और एक मैं ये पहनी हूँ, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। देखिए
कितना सुंदर है, एकदम सिंपल सा है, डेली यूज के लिए कितना क्यूट लग रहा है। एक ब्लैक कलर का ये मोती नीचे लटका हुआ है और बाकी ये छोटी 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 मोती है, और ये एक ये वाइट कलर का बड़ा सा इस पे स्टोन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गले में। और एक है और एक और एक ये है, देखिए ये भी उसी मंगलसूत्र से मिलता जुलता है। फर्क इतना है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा है, भी इतना बड़ा है ये वाला, और ये वाला है लंबा लंबा, पर इसमें नहीं है। इसमें ये गोल गोल ये क्या बोलते हैं गोल्डन कलर का मोती है इधर गोल गोल। तो देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग डेली यूज के लिए मर्जी हो, पसंद हो तो मंगवा सकते हैं। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और इसके बाद ये मंगवाई हूँ इयररिंग्स, देखिए एक में ही कितना है, 6 इयररिंग्स हैं, हर कलर का है। एक मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये गोल्डन कलर का, ये ग्रीन, और ये ब्राउन, ये है हल्का पिंक है शायद, पिंक गुलाबी, हाँ डार्क गुलाबी, और ये नीला, और ये हल्का रेड से थोड़ा और अच्छा कलर, बड़ा सुंदर। मैं एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ, निकाल के ये देखिए, वाव कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मैं कभी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी तो पहनूंगी, आप लोग देखिएगा। देखिए कितना क्यूट लग रहा है, हर कलर का है, बड़ा सुंदर लग रहा है। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, सुंदर है, छोटा है, ज़्यादा भारी भी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा भारी पसंद है, मेरा कान का देखते हैं तो ज़्यादा भारी मैं पहन नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी लेती हूँ तो थोड़ा जो हल्का है, मैं कहीं आ भी जा सकती हूँ पहन के, और घर में भी कभी मर्जी हुआ पहनना तो मैं पहन लेती हूँ, तो ऐसा ही मैं मंगवाई हूँ। और एक और कलर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, देखिए हर कलर में है, ये ग्रीन में दिख रही, ये ग्रीन में है, और ये तो यही बस कुछ सामान मुझे मंगवाना था, मुझे ज़रूरत था इसलिए मैं मंगवाई हूँ, बिना ज़रूरत का नहीं, कोई भी बिना ज़रूरत के कुछ नहीं मंगवाते, तो मुझे ज़रूरत था ये तो इसलिए मैं मंगवाई हूँ। तो आप लोगों को ये देखिए ज़रूर थोड़ा पसंद तो आया ही होगा, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं नई हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी हूँ नहीं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।